छतरपुर जिला मध्य प्रदेश भैरा ग्राम से आचार्य देवेंद्र मिश्र जी का प्रश्न है कि गुरुजी यज्ञ करने से क्या होता है, और अभी हमारे वर्तमान में जो यज्ञ चल रहे हैं क्या उन यज्ञों का कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जहां कहीं भी यज्ञ हो रहे हैं उन यज्ञों का कुछ प्रभाव हो रहा है अथवा कि नहीं हो रहा है कि विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये प्रश्न है कि यज्ञ करने से क्या होता है। मिश्र जी थोड़ी ध्यान दें, इसलिए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि कीजिए। आपको कितना भी चिंतन किया हो, आपने पढ़ा हो, बार बार देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति अर्थात प्रजा के स्वामी ब्रह्मा जी ने पुरोवाच पहले ही ये बात कह दी थी। कौन सी? तो प्रजा सृष्ट्वा सहयज्ञाः, यज्ञों के साथ ही प्रजा की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने कहा कि अलेन प्रसविष्यध्वम्, यज्ञ के द्वारा ही प्रसविष्यध्वम् अर्थात सृष्टि करो, प्रसव करो। एस वो स्विष्ट कामधुक् अर्थात यज्ञ पूर्वक यदि आप सृष्टि करेंगे तो आप लोगों को कामधुक् अर्थात आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसका मतलब है मनुष्य को यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। ये बात ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके कहा। और इसी तीसरे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। इसलिए भगवान नारायण को यज्ञ पुरुष कहा जाता है। यज्ञार्थात कर्मणः, जो भगवान के निमित्त भगवान को समर्पित किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन है। उसमें आपको फल भी मिलेगा, नरक भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सब मिलेगा। इसलिए यज्ञ पवित्र है। तो ये अब ये तो हो गई बात, इसका मतलब यज्ञ तो प्रत्येक को करना चाहिए ना। इसलिए जब भोजन बनता है तो गृहस्थों को आदेश दिया गया है कि बलवैश्व देव करिए, और वो बलवैश्व देव सभी के भोजन करने के पहले करना है। तो उसमें गाय को देना है, कुत्ते को भी देना है, चींटियों को देना है, ये सब है। तो बलवैश्व देव यज्ञ है। आप भोजन बनाएंगे और भोजन बनाने के बाद घर का कोई भी सदस्य कुछ भी उस बने हुए दाल चावल सब्जी रोटी से जो कुछ भी उपयोग करेंगे उसके पहले बलवैश्व देव होना चाहिए, अर्थात अग्नि को देना है और इनको भी देना है। अब चलिए, तो यज्ञ तो आपके भोजन से प्रारंभ है ना। मतलब ये थोड़ी कि ये जो आप यज्ञ कराते हैं लक्ष्मी यज्ञ विष्णु यज्ञ यही यज्ञ है, नहीं। प्रतिदिन भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद प्रतिदिन उसमें उसका यज्ञ हवन में किया जाता है। ये वो है बलवैश्व देव, पंच बलवैश्व देव कहलाते हैं। भगवान ने कहा कि वास्तव में यज्ञ किस लिए करना चाहिए। तब उन्होंने इसी श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक, 13वें श्लोक से देखिए आप, फिर 14 देखिए और 15वां देखिए। उन्होंने कहा, ए भाई यज्ञ तो करना चाहिए, वो यज्ञ करने से क्या होगा।
बोले यज्ञ करने से यज्ञाद भवति परजन्या, परजन्या दंड संभवा। जब आप यज्ञ पूर्वक अन्न का उत्पादन करेंगे ना, तो यज्ञाद भवति परजन्या। आप यज्ञ किससे करते हैं? अन्न से। और यज्ञ से अब अन्न कहां से पैदा होता है? बोले वर्षा से। अगर ऊपर से वर्षा होगी तो ही आप यज्ञ कर सकेंगे। तो यज्ञ करेंगे तो उससे वर्षा होगी, परजन्य वाले मेघ बनेंगे। और परजन्या जब मेघ बरसेंगे तब अन्नाद भवन्ति, तब ये शरीर सुरक्षित रहेंगे, घास और ये सब इत्यादि जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो प्राप्त होगी। अच्छा, और अन्न से क्या होता? बोले अन्नाद भवन्ति भूतानि। ये जो आप मच्छर, कीट, पतंग, शेर, चीता, बाघ और ये जलचर और ये थल में चलने वाले थलचर और डबचर उड़ने वाले जीव और ये वनस्पतियां, ये सब कहाँ से हो रहे? बोले अन्नाद भवन्ति, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। और परजन्याद अन्न संभव, और परजन्य अर्थात मेघ जब बरसेंगे तो अन्न उत्पन्न होगा। तो मेघ बरसेंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, और जब अन्न होगा तो प्राणी भोजन करेंगे तो उत्पत्ति करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यज्ञात भवति परजन्य, यज्ञ से परजन्य मेघ तो बनते हैं, लेकिन यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ तो कर्म से ही होता है, लेकिन कर्म कहां से होते हैं? बोले कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, ब्रह्म अर्थात वेद। कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये बात वेद ही बताएंगे। कर्म ब्रह्मोद्भव, ब्रह्म अर्थात वेद। वेद प्रतिपादित कर्म ही कर्म है। वेद प्रतिपादित कर्म करेंगे तब वो यज्ञ बनेगा, और यज्ञ से फिर वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से सब प्राणी रहेंगे। अच्छा जी, और ब्रह्म वेद कहाँ से हुए हैं? ब्रह्माक्षर समुद्भव। और ब्रह्म अर्थात जो वेद है, अक्षर समुद्भव, अक्षर माने कभी न नष्ट होने वाला, अक्षर माने क्षर सर्वाणि भूतानि। 15वें अध्याय में गीता में लिखा क्षर सर्वाणि भूतानि, ये सारे प्राणी जो क्षर कहलाते हैं, नष्ट होते हैं, अक्षर कौन है जो कभी नष्ट नहीं होता? वहां से वेद होते हैं। तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम्, इसलिए सब कुछ ब्रह्म में है, ब्रह्म में ही ये प्रतिष्ठित है, अर्थात वेद में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए वेद प्रतिपादित कर्म ही कर्म है, और जो वेदों में निषेध किया गया है वो कर्म नहीं है। अब आप यहां से चाहे 1 से 10 तक गिन गए, अब 10 से ऐसा गिन जाइए। अर्थात यदि वेद को आप मानते हैं तो वेद में प्रतिपादित कर्म जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कहे गए हैं उनको आप करिए। अब उसको यज्ञ होगा, उस यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, और अन्न से ये सारे प्राणी जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि यज्ञ करना है तो कर्म करना होगा। कर्म की अगर निश्चिति नियति करना है तो कर्म, कौन सा कर्म कर्म है, कौन सा कर्म अकर्म और विकर्म है, इसके लिए वेद ही प्रमाण करेंगे। वेद प्रणहित हो धर्म, वेद कहेंगे तो वो धर्म है, वेद निषेध करेंगे तो वह धर्म है। और जब वेद ज्ञान होगा आप वो कर्म करेंगे। इसलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, सारा संसार यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता तो समझ लीजिए भोज्यते ते सुखम पापा, ये प्रत्यात्म कारण, जो सिर्फ अपने लिए ही खाते कमाते हैं वो तो पाप खा रहे हैं। इसलिए यज्ञ का मतलब ये है कि भगवत समर्पित करके यज्ञ करेंगे, और शास्त्रों में कहे गए के अनुसार यज्ञ करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और उसी से ही सब जीव सुखी रहेंगे, वर्षा होगी। अब आज नहीं हो रहे, अब रही बात वो कि इस यज्ञों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है। धन के लिए किए, धन एकत्रित करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अब वर्षा भी नहीं हो रही है। वर्षा नहीं हो रही है तो अन्न नहीं होगा,
अन्न नहीं होगा तो धीरे धीरे सब प्राणी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वेदों में कहे हुए कर्म को ही यज्ञ कहते हैं और उसी के अनुसार सभी प्रजा सुखी रहती है। वृंदावन बिहारी लाल की।